हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पर हवन आज हमारे घर में हो रहा है। कोरोना काल में सब मिलके ही पूरी फैमिली कर ले रहे हैं, जो हम जैसा भी हमें आ रहा है बस उस हिसाब से हम कर ले रहे हैं। ना कुछ होने से कुछ होना अच्छा होता है। अब तक की मेरी जो भी आपने वीडियो देखी होगी उससे पता चल चुका होगा कि मैं थोड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो बस आज मैं अपने घर में पंडित जी की जगह ले चुकी हूँ और मैं ही यहाँ पर बनी हूँ पंडित, और सबको हवन करना सिखा रही हूँ कि किस तरह से हवन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सारी उंगलियाँ लगा देते हैं और सारी उंगलियाँ नहीं टच करनी चाहिए। देखो, आज मैं हवन करना सिखा रही हूँ। ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए हवन में। ये दोनों उंगलियाँ जो है वो टच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये दोनों उंगलियाँ और अंगूठा से ऐसे बड़े ही प्रेम से हम श्रद्धा से माता रानी को आहुति दे रहे हैं। स्वाहा, फिर गलत किए, ऐसे करो, देखो अंगूठे से ऐसे करो, स्वाहा, फिर गलत, स्वाहा। हे माता रानी, माफ करना मेरे। और यहाँ पर श्रेया देखिए, खीर की आहुति दे रही है। माता रानी का हलवा और पूरी भोग भी लग गया है। तो ये हमारी इकलौती कन्या है, बस इसी से मैं काम चला ले रही हूँ, क्योंकि कोई कन्या नहीं थी तो मैंने कहा जो घर की है उसी की पूजा कर लेती हूँ। जय माता दी, जय माता, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। चलो भाई, हलवे का भोग लगाओ पहले। तो यहाँ पर मैं हवन करके उठी हूँ, अब मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। देखिए, ये हमारी पूरियाँ रेडी हैं, करारी करारी पूरियाँ तैयार हैं, और ये हमारा हलवा, ये हमारे छोले। फ्रेंड्स, आज घर में था हवन। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि ये कुछ ऐसा था कि जो नवरात्रों की पूजा थी ना, कढ़ाई माता रानी की करते हैं, वो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी देवरानी को बेटा हो गया था। तो उस टाइम पे हमें माता रानी की कढ़ाई नहीं चढ़ानी थी। तो कहते हैं कि जब नवरात्रों में नहीं होती तब हम पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है और मैं गाय को 9 पूरियां जो निकाली थी वो सब खिला के आ गई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना काल में हम कन्याओं को घर में नहीं बुला सकते हैं। तो हमें कन्याओं की जगह गाय की छोटी सी बच्ची मिल गई मुझे, वो भी कन्या थी हमारी, बस उसी को खिला के मैं आ गई हूँ। अरे मैंने ये खिड़की खोल दी बेटा, गर्मी पड़ने लगी ना। हाय गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। अरे गिर मत जाना भाई। नहीं गिरूंगी, मजा आ रहा है। किचन की खिड़की खोली आज ये। यहाँ रास्ता है, यहाँ पर है ये, और ये अपनी क्या कर रहे हो मम्मी? बेटा, इस विंडो को ना मैं बांध दूंगी ताकि आंधी आए तो इसका शीशा ना टूटे, इसलिए। तो ये मम्मी ने जुगाड़ किया है, ऐसे अपनी विंडो खोली है किचन की, हवा जाए और इस बिना कुछ यहाँ पे ऐसे फटफट होता। तो यहाँ से कुछ घुस घुस नहीं सकता? तो वो भी जाली बंद कर दूंगी ना। छोले पूरी खा के सबका पेट बहुत हैवी हो रहा है, तो इस टाइम पे लंच में मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ। लंच में सिर्फ हम तरबूज का जूस और हल्के में मैंने बना लिया है पोहा, बस वही खा के अभी हम लंच कर लेंगे। आज ज्यादा कुछ नहीं खा रहे हैं क्योंकि ज्यादा हैवी हो गया था छोले और पूरी। फ्रेंड्स, जूस बनाने के लिए देखिए, तरबूज का मैंने तरबूज लिया है और इसको मैं कट कर ले रही हूँ, क्योंकि आज सबने खाया है छोले और पूरी, किसी को भूख नहीं है। अब मैं बता दूँ, यहाँ पर खाने पीने की वजह से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हुई हूँ, क्योंकि खाने पीने में मैंने बहुत जोर दिया है अपने, बस इसीलिए मैं जल्दी से मेरे अंदर ताकत आ गई है वापस दोबारा से काम करने के लिए। देखिए, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे, फटाफट फटाफट कट जाता है। इसका जूस तो मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इस तरह से आपको डाल देना है और घुमा देना है और कुछ भी नहीं करना है, बस अब मिक्सी को मैं चला दूँगी। देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जूस, हेल्दी जूस तैयार है। और ये, और अगर इसमें मिलाना है तो आप थोड़ा सा काला नमक और नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही पी सकते हैं। चम्मच से इस तरह से कर देंगे ना तो ये सारा निकल जाएगा इसका रस। अब मैं ग्लास में डाल के सबको दे दूंगी और इस तरह से दबा दबा के मैं सारा छान लूंगी जो भी, और इस तरह से इसके बीज भी पिस जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
क्योंकि इसका बीज कड़वा तो होता नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीज पिस जाए, इसमें छन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जूस और ये पोहा खाने के लिए तैयार है। आप सबके लिए एक सरप्राइज है और मेरे लिए भी एक सरप्राइज है। तो चलिए देखते हैं कि मदर्स डे का गिफ्ट मेरे बच्चों ने मुझे क्या दिया है। आप लोग भी देखिए और मैं भी देखती हूँ। तो फ्रेंड्स चलती है, खोल के उसको चेक करते हैं कि उसमें क्या है मेरे लिए, क्योंकि सरप्राइज है। यहाँ पर मैं सैनिटाइज कर देती हूँ इस पैकेट को। तो ये माता जी की अनबॉक्सिंग होते हुए बस जल्दी जल्दी खुल जाए, बस खुल जाए फटाफट खुल जा सेम सेम। तो फ्रेंड्स ये जो माइक आया है ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए अनमोल तोहफा है। ये मदर्स डे का मेरे दोनों बच्चों ने मिल के मुझे दिया है गिफ्ट। थैंक यू सो मच या थैंक यू। यशु ने ऑर्डर किया था वैसे ये। ये क्या क्या है मेरे को तो समझ ही नहीं। इसको यशु ने थोड़ा असेंबल कर लिया था आपके लिए। इतनी लंबी वायर है। हाँ यशु ने थोड़ा असेंबल कर लिया था आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या क्या है इसमें, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ, लगेगा कैसे ये। इधर लगाओ, इधर लगाओ माइक, माइक लगेगा। ओके अब हाँ, अब इसको अटैच करके व्लॉगिंग करना। अब आपके कोई पीछे की बैकग्राउंड आवाज नहीं आएगी, एकदम आवाज लाउड एंड क्लियर आएगी। जो बस मजा आ रहा है ये तो लगा के, है ना ब्लॉगर का माइक। यस बस बोलती रहूंगी। हाँ अब रिकॉर्ड गाइस आप लोगों को अच्छी क्वालिटी देने के लिए देखिए मेरे दोनों बच्चों ने मेरे लिए क्या क्या किया है। फ्रेंड्स इसको लगा के ही मैं चेक करके आप लोगों के साथ ही चेक करती हूँ और आप लोग इसकी आवाज सुनिए कि हम आगे और प्रयास कर रहे हैं कि अपने यूट्यूब को किस तरह से और बेहतर बनाए। तो शायद आने वाले दिनों में कैमरा भी आ सकता है तो मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाएगी यूट्यूब की। ये अच्छी क्वालिटी देने के लिए दोनों बच्चे इतना ज़्यादा मेरे को सरप्राइज कर दिए और वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको लेके। तो मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है, ये जैसे चश्मे का नहीं होता, ये देखो मेरा बटुआ बन गया है। जहाँ भी जाओ अपना माइक का बटुआ लेके बस इसमें शेयर के चिल्लर आ जाए मेरे पास। तो गाइस देखिए अब कैमरा भी आने ही वाला है थोड़े दिनों में और मैं अपने YouTube को वाकई में हंसी मजाक की बात नहीं है, दिन प्रतिदिन बेहतर बनाना है। कैसे मुझे उसकी मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ पर सपोर्ट आप लोगों को करना है। और वीडियो को इतना कम लाइक करते हो आप लोग, इतना कम लाइक करते हो कि देख तो लेते हो पर लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ये न्यू माइक भी आ चुका है और अब ये माइक के लिए भी आज तो लाइक बनता ही है। सो गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ 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 कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ तो मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।